नमिता का नमस्कार। पोरबंदर की धरती पर आज मैं आपको सुदामा आश्रम की पूरी जानकारी दिखाऊंगी और जानकारी दूंगी और पूरे उसके मंदिरों का वर्णन करूंगी। आप सबों का पोरबंदर में स्वागत है। अभी हम सब पोरबंदर पहुंच गए हैं और ये है सुदामापुरी यात्रा धाम। ये सुदामापुरी यात्रा धाम के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद इस तरफ से एक एक व्यू आपको देते जाएंगे। ये सुदामा जी का यहाँ बहुत ही विशाल और बड़ा मंदिर है और ये चारों तरफ लोग यहाँ पर कबूतर को दाने खिलाने के लिए निकलते जाते हैं। सुदामा मंदिर के प्रांगण में ये कबूतरों का झुंड है। यहाँ मानना है कि सभी को कबूतरों को दाना खिलाना है और लोग सभी लोग लगे हुए हैं और कबूतरों को दाना खिला रहे हैं और ये पूरी झुंड की झुंड सुदामा मंदिर की ओर बढ़ रही है। अब मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर लोग इस तरह से भीड़ लगा के घूम रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घूम क्यों रहे हैं। ये सुदामा जी की लख 84 परिक्रमा है। यहाँ लिखा हुआ है सुदामा जी की लख 84 परिक्रमा। इस लख 84 परिक्रमा के भीतर में लोग अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए करते हैं और साथ ही में इसको करने के बाद लोगों की आस्थाएं हैं कि चार धाम की यात्राएं पूरी हो जाती हैं। ये देखिए आज तक मैंने इस तरह की परिक्रमाएं नहीं देखी थी। ये छोटे छोटे जगहों से जाके निकलते हुए हर लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं और परिक्रमाएं कर रहे हैं। ये काफ़ी कठिन है, इसको करना इतना आसान नहीं है। एक एक करके लोग इसमें घुस रहे हैं और परिक्रमाएं कर रहे हैं। आप इस तरह से देखते जाइए कि किस तरह से इस परिक्रमा को किया जा रहा है। मान्यता ये है कि इसको करने के बाद आप अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए ये मैं भी परिक्रमा कर रही हूँ और अब हम लोगों का परिक्रमा समाप्त होने वाला है और इस तरह से हमने मोक्ष की प्राप्ति की और पुण्य की प्राप्ति भी की। ये सुदामा मंदिर का प्रांगण है और ये गुंबज देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर बनी हुई है। यहाँ पर भी सुदामा जी रहते थे और यहाँ पूजा करते थे इस प्रांगण में, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये कहानी है कि इसी मंदिर से सुदामा जी रोज द्वारिका अपने मित्र कृष्ण के लिए भोजन लेके जाया करते थे। इस मंदिर के प्रांगण में चावल और वस्त्र दान किया जाता है। यहाँ काल भैरव का मंदिर है और अभी निर्माण कार्य में ये मंदिर लगा हुआ है। ये सब प्राचीन मंदिर है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसके गुंबज को। और ये आज से कई सौ साल पुराने मंदिर के रूप में यहाँ स्थापित है और जिसकी देखरेख सरकार कर रही है और जो लोग भी यहाँ आते हैं तो बिना इस मंदिर का पोरबंदर से दर्शन किए हुए नहीं जाते हैं। पूरा प्रांगण है, देखिए कितने खूबसूरत ढंग से इस मंदिर को बनाया गया है और इसके आंगन में बड़ी सुंदर सुंदर कलाकृति की गई है। काफ़ी बड़ा जगह है लेकिन पुराने ढंग से बने होने के कारण इसकी देखरेख उतनी नहीं हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि लोग इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमाएं कर रहे हैं और अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोग मंदिर के निर्माण को कर रहे हैं और परिक्रमा करने के बाद हमारी ये यात्रा सफल होगी और उसके बाद ही हम लोग इस मंदिर की पूरी दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक परिक्रमा यहाँ ख़त्म हुआ और घर बैठे ही सुदामा मंदिर का पूरा दर्शन करा दिया। ये देखिए सुदामा भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। और इस तरह से अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल बगीचे बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मंदिर का प्रांगण बहुत पसंद आया होगा और वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा।